हेलो फ्रेंड्स, क्लासेज सिविक्स चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। यू नो यू मे अ फैमिलियर विद सम लॉज सच एज दोज द स्पेसिफिक एज ऑफ द मैरिज। आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारे लॉज हमारी कंट्री के अंदर या तो कोई भी कंट्री चलाने के लिए लॉ अननेसेसरी है। द एज एट विच द पर्सन कैन वोट एंड perhaps even the law dealing with buying and selling of properties। आप election के time देखते हो जब हम वोट कास्ट करते हैं तो ये भी एक हमारे उसके भी एक law होता है। above 18 years you can cast a vote। अगर आप 18 years के ऊपर है तो ही आप वोट दे सकते हो। perhaps even a law being buying and selling of the properties। तो कभी कभी हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं सेल करते हैं, जैसे कि हाउस हमने बाय किया या तो सेल किया, तो उसके लिए जो लॉ के हिसाब से उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो कंपलसरी होता है। सो इट इज़ रिगार्डिंग टू लॉ। वी नाउ नो दैट अ पार्लियामेंट इज़ इन द चेंज ऑफ मेकिंग लॉ। डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन? हाउ डू न्यू लॉ कम इन टू बींग? Could there be a law that are unpopular or the controversial? तो ये जो लॉ कंट्री के लिए बनाए जाते हैं वो सम आर द अनपॉपुलर और कॉन्ट्रावर्शियल। सारे लॉज जो पीपल के फेवर में नहीं होते हैं। समटाइम इट इज़ कॉन्ट्रावर्शियल। वॉट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर द सरकमस्टेंसेस? तो जैसे हम कोई भी एक कंट्री के सिटीज़न है तो उसके हिसाब से देखते हैं। काफ़ी टाइम हमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उसके अगेंस्ट में पीपल जो अपने लॉ के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। बट नाउ स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट, डू लॉ अप्लाई टू ऑल? यानी कि जो लॉ बनाए जाते हैं थ्रू द कंट्री वो हर एक के लिए ऑल के लिए होते हैं? यस। तो द गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प एंड मेड द रूल्स फॉर द कंट्री, दे आर नॉन एज लॉ। तो यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कंट्री के लिए जो बनाए जाते हैं ऑन द ड्राफ्टिंग यानी कि रिटन लॉस, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए गए हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ सारे लॉस जो अमेंडमेंट किए हैं तो उसी के हिसाब से हमारा लॉ फॉर्म होते हैं। The above is a clear case of the violation of law. As you read in the unit 1, the member of the Constituent Assembly were agreed there should be a no arbitrary exercise of power in independence India. यानी कि हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो भी लॉ के अगेंस्ट वायोलेशन कभी कभी होता है तो यूनिट 1 में हमने देखा कि मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर अग्रीड टू दोज शुड बी नॉट अ आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट। यानी कोई भी पर्सन हमारे कंट्रीज़ के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट ऐसे कोई भी ऐसे गलत एक्शन नहीं ले सकता अपने पावर में। उसके हाथ में जो भी पावर है, उसकी जो भी सत्ता है, तो उसी के हिसाब से उसको उसका मिसयूज़ कभी नहीं कर सकता, या नहीं तो उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। देयरफॉर इंस्टीट्यूशनल several provisions in the constitution that would establish the rules of law. The most important of there was that all the person in independent in India are equal before the law. यानी कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो भी लॉ बनाए गए हैं सो एवरी पीपल आर इक्वल टू अगेंस्ट द लॉ। यानी कि लॉ के सामने सारे लोगों को इक्वल माना जाता है, चाहे रिच हो, पुअर हो, या तो कोई भी हो, या तो कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, तो उसके हमारे लॉ के सामने उसको इक्वल माना जाता है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और द जेंडर। What the rule of the law mean is that all the people apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law, neither government official, not a wealthy person, not even a president of the country is above the law. यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू हमारे कंट्री के थ्रू जो भी लॉ बनाए गए हैं
तो उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे पीएम क्या ना हो, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो, कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ एवरी पीपल इक्वल अगेंस्ट लॉ. एनी क्राइम और द वायोलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज द प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश. बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? यानी हर एक पीपल जो भी क्रिमिनल है, जो जिसने भी क्राइम किया है, तो उसको स्पेसिफिक उसकी जो पनिशमेंट होती है, तो वो गिल्टी पर्सन है उसको पनिशमेंट मिलती है. बट हाँ, वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? यानी पर उसके रिलेटेड उसको उसके लिए जो पनिशमेंट है उसी के हिसाब से होना चाहिए. यानी कि कोई भी एक्सीडेंट किया तो उसको फिर उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी. तो ऐसे उसके रिलेटेड जो भी उसने क्राइम किया है उसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा. इन एंशियंट इंडिया देर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज. तो पहले के ज़माने में हमारे में बहुत सारे इन्यूमरेबल लॉज बन थे, एंड ऑफन द ओवरलैपिंग लॉ डिफरेंट कम्युनिटी एंजॉय अ डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस लॉ. यानी हमारे जो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग कम्युनिटी हमारे कंट्री के अंदर रहती है, तो हर एक की जो ऑटोनॉमी इज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉ. और इसलिए सारे लोगों को ध्यान में रखकर हमारे जो कंट्री में जो भी लॉज अमेंडमेंट किए गए हैं, तो सारे लोगों को, सारे कास्ट रिलीजियस सब को लेकर सारे लॉज बनाए गए हैं. कोई भी लॉ से कोई भी लोगों को हानि ना हो, इस तरह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है. बट सम टाइम इट हैपन्स इन सम केस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेराइड डिपेंडिंग ऑन दर केस बैकग्राउंड विद द लोअर कास्ट बींग अ मोर हार्शली पेनलाइज. दिस स्लोली बिगन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगन टू फर्दर इवोल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. तो पहले के ज़माने में हमारे जो कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश का जब शासन था, तो उस टाइम पे उसके बैकग्राउंड के हिसाब से उसको जो पनिशमेंट और सब कुछ दिया जाता था. बट नाउ इट बिकम्स अ लॉ. अभी तो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, इसीलिए अभी वो नहीं है. अभी तो जिसी के हिसाब से हमारे जो गवर्नमेंट यानी कि जो जस्टिस जो भी सुनाता है और उसी के सामने उसको पनिशमेंट मिलती है. सो इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वो इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से उस टाइम पे जो इंडिया में जो लॉज उनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उसके टाइम से आज अभी भी जो काफ़ी लॉज चलते आ रहे हैं. बट उसमें काफ़ी चेंजेस आया आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ हिस्टोरियंस हैव द डिस्प्यूट दिस क्लेम ऑन द सेवरल ग्राउंड्स टू ऑफ विच इंक्लूड्स फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री एंड सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रीनेस द कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट इन 1870. तो 1870 के अंदर सेडिशन एक्ट बनाया गया. द आइडिया ऑफ द सेडिशन वॉज अ वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट. एनी पर्सन प्रोटेक्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यूल ट्रायल. यानी कि कोई भी पर्सन को गवर्नमेंट उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी के ऊपर अगर डाउट जाता है या तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई भी एक्शन लेता है, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट एनी ट्रायल उसको अंदर डाल देती है. तो उसके लिए उसकी बेल भी पॉसिबल नहीं होती है, फिक्स टाइम के बाद ही उसका बेल होता है. सो
यानी कि नो एनी ट्रायल ऑन हिम, कोई भी ट्रायल एक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट उसको जेल में एज अ पनिशमेंट के हिसाब से उसको जेल में डाल दिया जाता है। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन टू प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज ऑफ द अथॉरिटी बाई द ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक आर्बिट्री सिस्टम था। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर द ग्रेट इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस आए, हम जब हमें हमारी हमें स्वराज हासिल हुआ, यानी कि अपना शासन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में बहुत काफ़ी चेंजेस आए। ऑल्सो हमारे जो पीपल थे उन्होंने ब्रिटिश के सामने बहुत सारी फाइट की, और उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए ऑफ लॉ फ्रॉम द सेट ऑफ द रूल्स दैट दे वर अपोज्ड टू ओबे एंड टू लॉ इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो जो लॉ बनाए गए थे लो एनफोर्स ऑन ओबे, यानी कि उनका ओबे हर एक लोगों को करना पड़ता था, इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगन एमर्जिंग एंड डिमांडिंग द रिस्पेक्ट इन द कॉलोनियल कोर्ट। दे बिगन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया एंड इंडियन जज ऑल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द डिसीजन। और इस तरह हमारे जो इंडियन जज यहाँ का इस हमारे जो कंट्री के अंदर हमारे जो लीगल जो लॉज बनाए गए हैं, सो इट्स अ मेन रोल फॉर द इंडियन जस्टिस एंड देयर फोर देयर वर अ सेवरल वे इन विच द इंडियन प्ले एज अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश रूल्स के ड्यूरेशन में जो भी सारे लॉ बनाए थे उस पीरियड में, तो इंडिया हमने बहुत सारा एवोल्यूशन किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए। विथ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ ऑन विच अवर रिप्रेजेंटेटिव बिगन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। एवरी ईयर अवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज द एमेंड एग्जिस्टिंग वन इन योर क्लास 6th यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट इन 2005। तो 2005 के अंदर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एस्टेब्लिश किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। यानी उस लॉ के हिसाब से सन डॉटर और मदर को फैमिली का इक्वल प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। सिमिलरली न्यू लॉ हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एंड द प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। तो उसी तरह दूसरा भी लॉ एनेक्ट हुआ कि पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल रखा जाए, ऑल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट के लोगों को रोज़गारी मिले। इस तरह गवर्नमेंट के एक्शन होने चाहिए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो अभी ये नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ हमें जानकारी मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट। अब नए लॉज किस तरह इम्प्लीमेंट हुए, किस तरह फॉर्म हुए। तो लेट मी स्टार्ट। द पार्लियामेंट हैज़ एन इंट्रोड्यूस अ रोल इन मेकिंग अ लॉ एंड देर आर मैनी वे थ्रू विच दिस टेक्स अ प्लेस एंड इट्स ऑफन अ डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी दैट रेजेस द नीड फॉर द पर्टिकुलर लॉ। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी कंट्री हो, यानी कि डिफरेंट पीपल्स आर लिविंग, यानी कि डिफरेंट कास्ट रेस ये सर अलग जाति भाति के लोग रहते हैं, तो यानी कि डिफरेंट ग्रुप इन द डिफरेंट सोसाइटीज, सो नीड फॉर द पर्टिकुलर लॉ, इससे सब लोगों को ध्यान में रखकर लॉ बनाए जाते हैं। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। यानी एक ये सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि ये सारे जो लॉज है सारे पीपल को अफेक्ट करते हैं। सो लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ इश्यू ऑफ द डोमेस्टिक वायोलेशन वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोसेस अडॉप्टेड
फॉर दिस इश्यू टू बिकम लॉ। तो ये डोमेस्टिक जो लॉज होते हैं और उसको लेकर लोगों के बीच और गवर्नमेंट के बीच कितने वायोलेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है। तो ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें स्टोरी दी है। और साजिया, डिड यू रीड टुडेज़ न्यूज़पेपर? इज़न्ट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमन एंड नॉट जस्ट वुमन? वायलेंस फ्री होम विल बेनिफिट एवरीवन। कुसुम, इट टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास। इन फैक्ट सुके बहुत सालों के बाद ये लॉ पास किया गया। इट बिगन विद द एस्टेब्लिशिंग नीड फॉर अ न्यू लॉ। तो वुमन के लिए लॉ पास किए गए। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमन ऑर्गेनाइजेशन। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फॉर द डोमेस्टिक वायोलेशन एक्ट गॉट पास्ड। और इस तरह लोगों को वुमन के लिए एक डोमेस्टिक वायोलेशन एक्ट पास किया गया। सो इन अप्रैल 1991 में टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। यहाँ पे सेकंड स्टोरी के अंदर बताया, आई नीड एडवाइस, माय हस्बैंड बीट मी एंड आई हैवेंट टोल्ड एनीवन सो फार। यानी उसका हस्बैंड उसको पीटता है और वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकती है। सो फील सो एशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर बट आई हैव नो वेयर टू गो। यानी उसको कहीं पे भी कोई राइट नहीं किसी पे जाने का, किसी के उसके सामने आवाज़ उठाने का। आई एम अब बींग इल ट्रीटेड बाई माई सन एंड डॉटर इन लॉ, दे वर्बली अब्यूज्ड मी एंड आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, दे मे इवन थ्रू मी आउट। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायोलेशन। मैं इस वायोलेशन को स्टॉप करने के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकती हूँ। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इट। सो अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। तो पहले के ज़माने में ऐसा था कि कोई भी हस्बैंड अगर उसकी उसकी बीवी को अगर पीटता है तो वो बेचारे कहीं पे भी अपने अपने उसको लेकर किसी के सामने भी नहीं जा सकती, बोल भी नहीं सकती, अपने हस्बैंड के सामने कोर्ट में भी नहीं जा सकती। बट नाउ इट इज़ अ डिफरेंट, अभी सारा डिफरेंट है। अभी कोई भी एक्शंस वुमन के अगेंस्ट, वुमन्स के फेवर में सारे लॉज बन गए हैं। तो अभी वो डिफरेंट है, अभी वुमन अपने राइट्स को डिमांड कर सकती हैं। थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉज वॉज अ रेज इन द डिफरेंट फॉरम। 1990s के बाद नए लॉज फॉर्म हुए और वो वुमन के फेवर में, या कोई हस्बैंड उसको मारता है पीटता है तो वो उसके सामने वो केस कर सकती है और इन उसके सामने अपने। इन द 1990 लॉयर कलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स वॉज स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज़ आफ्टर द नेशन वाइड कंसल्टेशन टूक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायोलेशन एंड दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्क्यूलेटेड। द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायोलेशन शुड बी इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्शुअल, वर्बल, इमोशनल एंड एब्यूज। कोई भी वायोलेशन हो तो उसके सामने वो आवाज़ उठा सकते हैं। द लॉ शुड कवर एनी वुमन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस। दिस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बींग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। सो वॉट अबाउट सम मॉनिटरी रिलीफ। इस तरह वुमन को ये सारे जो गलत जो कायदे कानून थे उसमें से वुमन को रिलीफ मिला और फाइनली वुमन अपनी आवाज़ उठा सकती है। द वुमन मूवमेंट वॉन्ट अ न्यू लॉ डोमेस्टिक वायोलेशन, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट सून। और गवर्नमेंट ने ये सारे जो वुमन के फेवर में सारे लॉज पार्लियामेंट में पास किए और वो इंट्रोड्यूस हुए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002 में बिल पास हुआ। एंड द बिल हैज़ नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। वी मस्ट अपोज
the bill in its present form. Let's have a press conference. We could also start an online petition. अभी आप मालूम है, अभी आप कोई भी पिटीशन आप ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हो. पहले तो ये सारा ऑनलाइन नहीं था, अभी सारी चीज सारा ऑनलाइन हो गया है. कोई भी पिटीशन आप कोर्ट में अपने ऑनलाइन आपकी पिटीशन को आप कोर्ट में रख सकते हो. सेवरल वुमन ऑर्गेनाइज नेशनल कमीशन फॉर द वुमन मेड सबमिशन टू पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी. एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म की गई और वुमेन के फेवर में सारी जो लॉज बनाए गए. एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006. सो व्हाट इज़ द न्यू लॉ? द लॉ इज़ द फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग वुमन राइट टू वायोलेशन फ्री एंड होम एंड प्रोवाइड द कॉन्फ्रेंस. हेलो मोथो, दिस लॉ इज फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग द वुमन राइट टू वायोलेशन फ्री होम एंड प्रोवाइडेड कॉन्फ्रेंस को कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायोलेशन. दिस इज़ द सिविल लॉ एम्ड एट द प्रोवाइडिंग द रिलीफ टू मिलियन ऑफ वुमन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर एंड सिस्टर अफेक्टेड बाई द वायोलेशन इन देयर होम्स.